अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ राना अली और आप लोग देख रहे हैं शॉर्ट हैंड लर्निंग। लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑप्शन पैसिव नंबर 42 की डिक्टेशन की थी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी, आप लोगों ने शॉर्ट हैंड भी की होगी उससे और डायरेक्ट टाइप भी की होगी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ऑप्शन पैसिव नंबर 43 डिक्टेशन। में स्टार्ट करने लगूँ, आप लोग अपनी पेंसिल संभाल लें और अच्छे से टाइप कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। इफ़ इट इज़ प्रपोज्ड टू इम्पोज अ माइनर पेनल्टी, द अथोराइज्ड ऑफिसर शेल कॉमा आफ्टर अफोर्डिंग द अक्यूज्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग पास ऑर्डर अकॉर्डिंगली इफ़ कॉमा हाउएवर द अथोराइज्ड ऑफिस कंसाइडर्स इज टू बी अ केस फॉर मेजर पेनल्टी कॉमा ही शेल आफ्टर अफोर्डिंग द एक्यूज्ड एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑफर हिज एक्सप्लेनेशन अगेंस्ट द रिकमेंडेशंस फॉर इम्पोजिशन ऑफ मेजर पेनल्टी कॉमा फॉरवर्ड द केस टू द अथॉरिटी अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द अक्यूज्ड एंड हिज ओन रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग द पेनल्टी बी इम्पोज्ड प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ जॉकिंग इंक्वायरिंग इफ द अथोराइज्ड ऑफिसर रीच्ड द कंक्लूजन टू इम्पोज माइनर पेनल्टी स्लैश पेनल्टीज ऑन वन और मोर ऑफ द अक्यूज्ड एंड रिकमेंड्स इम्पोजिशन ऑफ मेजर पेनल्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द अदर्स अक्यूज्ड कॉमा ही शैल सेंड द होल केस टू द अथॉरिटी फॉर टेकिंग अ फाइनल डिसीजन फुल स्टॉप इफ अंडर सब रूल द अथोराइज्ड ऑफिसर कंसाइडर्स दैट एन इंक्वायरी इज नेसेसरी ही शैल अपॉइंट एन इंक्वायरी ऑफिसर और एन कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ टू और वन होम शैल बी ऑफ ए रैंक सीनियर टू दैट ऑफ द एक्यूज्ड ऑफ इफ देर आर मोर देन वन एक्यूज्ड सीनियर टू ऑल द एक्यूज्ड वेयर एन इंक्वायरी ऑफिसर और एन इंक्वायरी कमेटी इज अपॉइंटेड अंडर सब रूल द अथोराइज्ड ऑफिसर शैल साइमल्टेनियसली फ्रेम अ चार्ज एंड कम्युनिकेट इट टू बी एक्यूज्ड टूगेदर विद अ स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशंस एक्सप्लेनिंग द चार्ज एंड अदर रेलिवेंट circumstances which are proposed to be taken into consideration and require the accused comma within a reasonable time which shall not be less the 7 days or more than 14 days from the day the charge has been communicated to him to put in a written defense directly before the inquiry officer or the inquiry committee as the case may be full stop the authorized officer immediately after communicating the charge to the accused under
सब रूल शेल फॉरवर्ड सच रिकॉर्ड और कॉपीज देयर ऑफ एंड सच अदर मैटरनल एज इज़ फुल स्टॉप। जी गाइस, ये था ऑफिशियल पैसेज नंबर 43। आज हम लोगों ने इसकी डिक्टेशन की है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को ऐसी वीडियोस मिलती रहे तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।